आगे बढ़ेंगे। इस साल के सबसे बड़े शादी समारोह की तैयारियां गुजरात के जामनगर में शुरू हो चुकी हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी जामनगर में होने जा रही है। जामनगर के रिलायंस ग्रीन कॉम्प्लेक्स में ये प्री वेडिंग सेरेमनी होगी, जिसमें दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां शरीक होंगी। बिजनेस जगत और कई देशों की बड़ी राजनीतिक हस्तियां भी इस समारोह के लिए आमंत्रित की गई हैं। करीब 1000 वीवीआईपी गेस्ट के इस समारोह में पहुंचने की खबर है। 1 से 3 मार्च तक अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी होगी और फिर 12 जुलाई को ये दोनों शादी के बंधन में बंधेंगे। तो इस साल का ये सबसे बड़ा शादी का इवेंट बनने जा रहा है। अंबानी परिवार में शहनाई बजने वाली है। 12 जुलाई को हालांकि ये शादी होगी, लेकिन उससे पहले प्री वेडिंग सेरेमनी और इसे लेकर जम के तैयारियां जारी हैं। जामनगर के रिलायंस ग्रीन कॉम्प्लेक्स में ये प्री वेडिंग सेरेमनी होनी है। बिल्कुल, और क्योंकि 1000 से भी ज्यादा वीवीआईपी गेस्ट आएंगे, इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। बड़े बड़े सिंगर, बड़े बड़े डांसर, सेलिब्रिटीज परफॉर्मेंस देंगे। इसके अलावा आप इंटरनेशनल फेसेस को भी इस वेडिंग सेरेमनी में देखेंगे। तो अंबानी परिवार में बजने वाली है शहनाई और जुलाई में क्योंकि शादी है, उससे पहले प्री वेडिंग की तैयारियां चल रही हैं। और आपको बता दें कि अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट बचपन के दोस्त हैं। स्कूली पढ़ाई के बाद अनंत अंबानी ब्राउन यूनिवर्सिटी चले गए और राधिका ने अपनी पढ़ाई न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से पूरी की। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब दोनों स्वदेश लौटे तो राधिका मर्चेंट अंबानी परिवार के कई समारोह के दौरान नजर आईं। और अब दोनों शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। 12 जुलाई को दोनों की शादी होगी। तो बहुत पहले से ही दोनों एक दूसरे को जानते हैं। प्री वेडिंग का कार्ड भी क्योंकि अब सामने आ चुका है और आप देखिए बचपन की दोस्ती और अब शादी तक का ये सफर, दोस्ती से लेकर शादी तक, अब काफी खूबसूरत सफर। हालांकि इससे पहले कई बार राधिका मर्चेंट जो हैं अंबानी परिवार के किसी भी फंक्शंस में नजर आ चुकी हैं और अब दोनों की शादी, अनंत अंबानी और राधिका की शादी होने वाली है। पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। तो अंबानी परिवार में हो रहे इस शादी समारोह को इस साल का सबसे बड़ा समारोह माना जा रहा है। इस साल की सबसे बड़ी शादी और शादी के समारोह में दुनिया के सबसे बड़े दिग्गज मेहमान के तौर पर शामिल होंगे। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी में बिल गेट्स, मेटा के मार्क जुकरबर्ग, भूटान नरेश, कतर के प्रधानमंत्री और कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री समेत फिल्म जगत के कई बड़े सितारे शामिल होंगे। मेहमानों की इस लिस्ट में एडोबी के सीईओ शांतनु नारायण, डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप भी शामिल हैं। खेल जगत से सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा जैसे क्रिकेटर शामिल होंगे। आध्यात्मिक जगत से सदगुरु भी प्री वेडिंग में समारोह में शामिल होने वाले हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये लिस्ट आप देखिए। प्री वेडिंग सेरेमनी में दुनिया के कई दिग्गज क्योंकि शामिल होंगे। ये वीवीआईपी गेस्ट जो प्री वेडिंग में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं, सेलिब्रिटीज के साथ साथ क्रिकेटर्स, सिंगर्स और साथ ही अन्य देशों के दिग्गज भी इस सेरेमनी में शामिल होंगे। यासर अल रुमायन, बॉब इडली, लैरी फिंग, बर्नार्ड लूनी, अमिन एच नासिर, इसके अलावा ओलिवन, अनुज रंजन, सुंदर पिचाई, योशिदा, ये जो गेस्ट लिस्ट है ये दुनिया भर के दिग्गज हैं जो प्री वेडिंग सेरेमनी में शामिल होंगे। ग्लोबल गेस्ट आप इन्हें कह सकते हैं। सबसे बड़े समारोह के तौर पर इसे देखा जा रहा है। तो प्री वेडिंग सेरेमनी में दुनिया के दिग्गज हैं शामिल होंगे और इस सेरेमनी को और भी ज़्यादा यादगार बनाने के लिए बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस भी होने वाले हैं और इसमें आपको तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं गेस्ट की। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी की तैयारियों के बीच अंबानी परिवार जामनगर में 14 विशाल मंदिरों का निर्माण करवा रहा है। अंबानी परिवार ने इन मंदिरों के निर्माण का जिम्मा देश के बेहतरीन कारीगरों के हाथों में सौंपा है।
खुद रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी मंदिर निर्माण से जुड़े एक एक काम पर नजर रख रही हैं। मंदिर परिसर की सुंदरता और भव्यता में भारतीय संस्कृति और विरासत की झलक साफ देखने को मिलती है। सुनील जी, ये सब बनाने के पीछे इतनी सुंदर मूर्तियाँ, उसके बारे में कुछ बताइए। रूप भेद प्रमाणानि भाव लावण्यम विवेचनम सादृश्य वर्णिका भंगस्य इति चित्र षडंगम। तो जामनगर में 14 भव्य मंदिरों का निर्माण होना है। खास बात यह है कि खुद जो रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी, वो मंदिर निर्माण से जुड़े हर काम पर नजर रख रही हैं। दरअसल अलग अलग जगह से जो बड़े आर्टिस्ट हैं निर्माण कार्य से जुड़े हैं, मंदिर निर्माण कार्य से, वो बेहतरीन कारीगर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वो इस काम को बहुत बारीकी से देख रहे हैं। नवरस के प्रति धन्यवाद।